हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह है डेली मैथ रिवीजन वीडियो का पार्ट टू, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के 10 क्वेश्चन जिनका हम रिवीजन करेंगे, जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ मैं कवर करा दूंगा आपका 15-20 पार्ट में, तो आपको एक भी पार्ट को मिस नहीं करना है। इससे पहला जो अपलोड हो चुका है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आज आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। इसी तरीके से अगर आप लाइक करते रहें तो मैं क्वेश्चंस भी बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। अभी 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ डेली, तो मैं इससे 15-20 भी कर दूंगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 200 लीटर दूध में यदि 150 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में पानी की प्रतिशत कितना है? यानी कि अगर मैं 200 लीटर दूध में 150 लीटर पानी मिला दूं तो पानी की प्रतिशत कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो जब भी मैं किसी चीज़ में यानी कि दूध में पानी को मिला रहा हूं, तो पानी और दूध का क्या हो गया कि मिश्रण बन गया, ठीक है। तो मिश्रण कितना हो गया, देखिए मिश्रण जब बनाएंगे हम तो 200 लीटर उसमें दूध होगा और 150 लीटर उसमें पानी होगा, तो 350 यानी कि 350 लीटर का आपका एक मिश्रण तैयार हो गया। अब पूछा इस मिश्रण में जो पानी है, पानी की प्रतिशत कितनी है, तो ये बहुत सिंपल है निकालना। देखिए टोटल में यानी कि इस पूरे मिश्रण में पानी की प्रतिशत कितनी है, तो टोटल में यानी कि 350 को यानी कि 150/350 करेंगे, ठीक है। तो 150 क्यों हमने लिया है, क्योंकि ये 150 लीटर आपका पानी है, तो 350 में 150 लीटर पानी है, तो 150/350 करेंगे और बस 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसको 0 से 0 कट कर लेंगे और यहाँ से कट करेंगे 5 से, तो कितना जाएगा 3 टाइम, और यहाँ जाएगा 7 टाइम, तो कितना हो जाएगा ये 100 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 300/7, तो ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 42.67%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई हार्ड नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको एक बार देखिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है, यदि 5 लीटर पानी और डाल दे तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। क्वेश्चन हार्ड नहीं है ये भी, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 20 लीटर मिश्रण में, तो हमारे पास 20 लीटर मिश्रण है जिसमें आपका अल्कोहल और वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है यदि 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले बताया कि 20 लीटर अल्कोहल है, तो 20 लीटर में 20% अगर मैं अल्कोहल निकालूँ तो कितना आएगा 4 लीटर, यानी कि अल्कोहल अगर 4 लीटर है तो शेष कितना बचा 16 लीटर, तो वाटर आपका 16 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो 16 लीटर में अगर 5 लीटर में पानी मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा 21 लीटर, यानी कि अभी जो वाटर बन गया है वो कितना है 21 लीटर पानी बन गया है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि पानी की प्रतिशत बताओ मिश्रण में, तो मिश्रण आपका कितना हो चुका है, अभी मिश्रण भी आपका चेंज हो चुका है क्योंकि 5 लीटर और एक्स्ट्रा वाटर मिला है, तो कितना हो गया 21 लीटर तो वाटर हो गया, 4 लीटर अल्कोहल अभी भी मेंटेन है वैसे का वैसे ही। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, न्यू मिक्सचर में यहाँ पे अल्कोहल पूछा गया है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत, मैंने शायद वाटर की बोल दिया था, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अल्कोहल की प्रतिशत कितनी है। तो अल्कोहल तो अभी भी आपका 4 लीटर है, बट टोटल जो मिश्रण है वो आपका कितना हो गया 25 हो गया, क्योंकि 21 लीटर वाटर और 4 लीटर अल्कोहल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4/25 यानी कि 25 तो टोटल है ना, तो 25 को हम डिवाइड करेंगे 4 से और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो कितना आएगा 16%, तो अभी तो आपका अल्कोहल था 20%, अभी कितना रह गया 16%, क्योंकि इसमें 5 लीटर हमने वाटर मिला दिया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन वैसे मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है, तो फिर भी देख लेते हैं क्योंकि रिविजन रहेगा तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे घर पर भी, और ये आपके याद भी रहेंगे। कई बार चीज़ें हम पढ़ लेते हैं अगर रिवीजन नहीं करते तो वो मतलब थोड़ी धुंधली सी पढ़ने लगती है और वो फिर दिमाग में नहीं रहती है। तो रिवीजन करते रहेंगे, कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है आर तथा एस एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे क्रम 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। आरंभ में उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर है, वे कितने बजे मिलेंगे। देखिए बजे पूछा है तो यहाँ पे बजे दे भी रखा है ना कि 10 बजे चलते हैं दोनों के दोनों, एक की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने मान लिया आर और एस ये दो बंदे हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो 17.5 किलोमीटर की है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों के बीच की दूरी आपकी मिल गई हमें, दोनों के दोनों ने 10 बजे क्रम 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलना प्रारंभ करते हैं, आरंभ में उनके बीच की दूरी इतनी होगी और वे कितने बजे मिलेंगे, ठीक है। यानी कि आर अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और एस यहाँ पे आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, दोनों के दोनों ने 10 बजे चलना स्टार्ट किया, तो मैं आपको एक ही चीज़ बताता हुआ आ रहा हूँ जो मतलब आपका स्पीड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, कि जब भी कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट, वो दो मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि कुछ भी हो सकता है, कोई कार भी हो सकती है, कोई दो आदमी भी हो सकते हैं, कोई ट्रेन भी हो सकती है, बट वो जब भी एक दूसरे की तरफ को चले यानी कि एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो उन दोनों की चाल को हम प्लस कर लेते हैं। अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो दोनों की चाल को माइनस कर लेते हैं, सीधा सा फंडा है बस, ठीक है। तो ये दूसरे एक दूसरे की तरफ को चल रहे हैं तो इन दोनों की चाल को हम प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 और 4 आपका कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिस्टेंस आपको पता है ये डिस्टेंस है, इस चाल से हमें कवर करनी है, बस टाइम ही तो पूछा ना कितना टाइम लगेगा, पूछा तो यह कि कितने बजे पहुंचेंगे, पर सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता है 17.5 है और जो टाइम है मतलब स्पीड है आपकी वो कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे मैं अगर इसमें पॉइंट हटाऊँ तो नीचे एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो बढ़ा ली, 175/ इतना हो गया 70। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा क्योंकि 7 × 2 = 14, हाँ ठीक है 140। तो कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा और यहाँ पे कितना 35/70 बचेगा और 35 को एक बार कटेंगे 35 से और 70 को 2 बार, यानी कि 2 से 1/2 टाइम आपका लग जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। 1/2 को अगर मैं बदलूँ मिनट में तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो कितना आएगा 30 मिनट। तो 2 घंटे 30 मिनट लगेंगे हमें पहुंचने में, यानी कि सॉरी इन दोनों को मिलने में। और यहाँ पे पूछा क्या गया किस टाइम मिलेंगे, तो 10 के बाद 2 घंटा 30 मिनट काउंट कर लीजिए, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12:30 में मिलेंगे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तीनों के तीनों जो अच्छे क्वेश्चन है ये मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ क्योंकि तीनों के तीनों टाइप ही आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है सॉरी मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 14:30 यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 2:30 PM पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई के लिए चली तथा उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 16:30 पे यानी कि 4:30 PM पे दिल्ली से मुंबई के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी, यानी कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि डिस्टेंस नहीं पता है, तो डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, जो दूरी है उसको एक्स मान के क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इनके टाइम में वो कितना है, 2 घंटे का है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो एक्स को यानी कि डिस्टेंस को 60 से अगर मैं भाग करूँ, पूरा का पूरा डिस्टेंस को मैं कवर करूँ और 80 से मैं कवर करूँ तो 2 घंटे का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा जो कि डिस्टेंस है और यही आपका पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियाँ मिलेंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे 4x माइनस, यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 4x - 3x उनमें कितना हो जाएगा, ये एलसीएम तो इनका आएगा था 240, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा x बराबर ये इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये माइनस होंगे तो x बराबर 480 आ जाएगा, यानी कि x की आपकी वैल्यू कितनी आएगी 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आने के बाद तो आप कर ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करा रखे हैं, बट एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ। देखिए डिस्टेंस आपकी आ गई है, यहाँ पे दोनों का जो चलने का टाइमिंग है वो अलग अलग है, ये 2 घंटे पहले चल रहा है इससे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 घंटे अगर ये पहले चल रहा है तो इसने 2 घंटे में कितना चल चुका, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 120 किलोमीटर इसने अकेले ने कवर किया है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको हम वो कर लेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे 480 में से, ठीक है।
तो जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 360। अब 360 को कवर कौन करेंगे, दोनों मिलके, क्योंकि एक दूसरे की तरफ को चल रहे हैं, तो बस उससे डिवाइड कर देंगे जितना भी टाइम आएगा, उसके बाद आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है औसत से एवरेज, ये भी कई कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पाँच छात्रों के गणित में औसत प्राप्त अंक जो है वो 50 है, 50 किए गए। बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के प्राप्त 48 के स्थान पर 84 पढ़े गए सही औसत प्राप्त करें। यानी कि वहाँ पे लिखना तो 48 था, बट वहाँ पे 84 लिख दिया गया है, तो ये आपकी गलती मतलब हो गई है, उसको आपको करेक्ट करके बताना है कि औसत में क्या चेंज आएगा। ठीक है, अभी औसत कितने का चल रहा है, 50 का, तो 50 से कुछ ना कुछ कम होगा क्योंकि हमने ज़्यादा लिख दिए होंगे, तो इसलिए 50 बढ़ के आया होगा औसत, तो कम करना है। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। पांच छात्रों के कुल प्राप्त अंक कितने हैं, 50 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 250 हो जाएगा। अब इसमें मुझे ये बताइए कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था हमने, हमें करना तो 48 था बट कर दिया 84, तो कितना एक्स्ट्रा ऐड किया हमने, 84 माइनस 48 तो 36 हमने एक्स्ट्रा इसमें प्लस कर दिया होगा। तो 250 में से अगर मैं 36 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 214। ये आपका जो बचा है ये एक्चुअल में मार्क्स हैं, इसमें जो 36 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे हमने 48 की जगह 84, तो वो मैंने माइनस कर दिए, तो अब ये वाला आपका औसत निकलेगा। तो 214 को यानी कि 214 को 214 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आएगा, 42.8। ये आपका एक्चुअल एवरेज आया है, जो कि मतलब गलती से 50 बन गया था औसत, मतलब मार्क्स बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक बहुत ही सिंपल सा मैं बताने वाला हूँ आपको फंडा। देखिए थोड़ा सा सोचना है बस आपको। मुझे ये बताइए कि जब 36 मार्क्स बढ़ के आए तो वो 36 सब में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, भाई 5 के 5 छात्रों में थोड़ा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ जिसकी वजह से आपका जो औसत है वो 50 हो गया, यानी कि बढ़ गया। तो जब 36 मार्क्स को मैं 5 जगह डिवाइड करूंगा तो सभी के जो बांटे आएंगे, जो सभी के दिए जाएंगे, वो कितना आएगा, 7.2, 7.2, 7.2, 7.2, 7.2, ये आएंगे। तो ये कितना हो गया आपका, 36 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस 7.2 को 50 में से माइनस कर देना सीधा सीधा, तो आपका 42.8 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, या फिर जितना एक्स्ट्रा है वो कितने जितने भी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वहाँ से माइनस कर देंगे, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये MDH वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें MD है वैसे, मैन और डे, और यहाँ पे MDH आवर्स भी आ जाते हैं, यानी घंटे भी आ जाते हैं, तो तब भी ये क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, बस इसमें वो भी मैं बता दूंगा अभी आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, भाई 42 व्यक्ति अगर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो वो काम कितना कर रहे हैं, 42 × 15 कर देंगे। ठीक है, 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा गया है, तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपका आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, जो टोटल वर्क है उसको 30 आदमी और यहाँ पे कितने दिन में करेंगे उससे आपको मल्टीप्लाई कर देनी, यानी कि 30 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इस टोटल वर्क को अगर मैं 30 आदमियों से कराऊंगा तो कितना आ जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई जो मैंने समझाई आपको, तो यहाँ पे आप इसको समझिए, यानी कि जितने आदमी और जितने डेज उनको मल्टीप्लाई करके इक्वल लिख लीजिए किसके, जितने आदमी से आपको कराना है और जितने दिन में कराना है वो आपका निकल के आ जाएगा। क्या करना है, 42 × 15 और यहाँ पे इक्वल करके मैंने लिखा 30 × x, यानी कि कितने डे में करेंगे ये तो हमें निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 30 से ये 15 से जाएगा 2 टाइम और ये जाएगा 15 से 1 टाइम, तो 42 इक्वल किसके हो जाएगा, 2x के, तो बस आपको 42 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 डेज। यानी कि बेसिकली अगर बात की जाए तो जितने आदमी पहले वर्क करते थे, जितने आदमी जितने दिन में वर्क करते हैं उनकी तो एक तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जिनसे कराना है उनसे उस वर्क को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर यहीं पर बात की जाती कि यानी कि 42 व्यक्ति 8 घंटे रोज कार्य करके 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देते हैं, तो तब आपको क्या करना था, 42 × 8 × 15, तो ये आपको करना था उस कंडीशन में जब घंटे भी आ जाते हैं, चेंज कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और है, ये बिल्कुल इसी टाइप का, यहाँ पे बोला जा रहा है यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिन में ऐसे कुएं को खोदने में
के लिए कितने व्यक्ति लगाएंगे। अब की बार दिन की बात नहीं, दिन तो आपको दे दिए, अब की बार व्यक्ति पूछ लेंगे, तो क्वेश्चन जरा सा भी चेंज नहीं होगा, बस अब की बार एक्स आपको एम टू को मान लेना है, ठीक है। तो 12 गुना 20 करेंगे, एम टू आपका एक्स हो गया, डी टू आपका 15 है, तो क्या करना है आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले जो चीज़ें कट हो सकती हैं उनको कट कर लेते हैं। 5 से हो जाएगा 3 टाइम और 5 से हो जाएगा 4 टाइम, ये 3 से हो जाएगा 4 टाइम, तो कितना हो गया, इधर क्या बचा, एक्स बच गया, इधर कितना बचा, 4 चौक 16, 4 और 4 बचा ना, 4 चौक 16, तो एक्स की वैल्यू आपकी सीधी सीधी 16 आ गई, यानी कि 16 आदमी से अगर वर्क करा जाए तो 15 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, टाइम एंड वर्क से ही यहाँ पे बोला जा रहा है, 8 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं, 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 आदमी 9 औरतें 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, जब बोला गया 18 व्यक्ति इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ये टोटल कार्य एक रहा कितना होगा भाई, 24, जब 18 व्यक्ति 24 दिन में समाप्त कर लेंगे तो 18 गुना 24 कितना होगा, 432, 432 कार्य यूनिट कार्य रहा होगा। अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट, 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेती हैं, तो टोटल वर्क कितना रहा होगा, 54 गुना 12 कर देंगे, 648 हो जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है 16 बच्चे कार्य को 54 दिन में समाप्त करते हैं, तो 16 गुना 54 कर देंगे तो 866 हो जाएगा टोटल यूनिट वर्क। अब यहाँ पे कराना कितने कितने से है ये देखिए, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है 3 आदमी 9 औरतें और 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितना करेंगे, तो 3 आदमी कितना करते हैं एक दिन में, तो 432 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 144 आ जाएगा। 9 आदमी कितना करते हैं, 9 से भाग करेंगे तो 72 आ जाएगा। 6 बच्चे कितना करते हैं, तो 864 को 6 से भाग करेंगे 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि मैन, ठीक है, औरत और आपका जो चिल्ड्रन है वो एक एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 आदमी मिलकर एक दिन में 144 करते हैं, ये यहाँ पे 72 करते हैं और ये भी 144 करते हैं, तो इन सभी का अगर मैं एलसीएम लूँ कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 144 को 144 से भाग करूँ तो एक दिन में मैन आपका कितना करते हैं, 3 आदमी, मतलब कि ये तो 3 आदमी का था वर्क, अब एक आदमी कितना करता है, तो 144 को 44 से भाग कर देंगे, 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि सारे के सारे मिलके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4 यूनिट वर्क करते हैं। देखिए ये जो वर्क था ये आपका था कितना, 3 आदमी का, और ये एक एक दिन में एक आदमी कितना करता है, ये आपका 1, 2 और 1 करता है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, 144, इसको कराना है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 36 में आपका आ जाएगा, यानी कि 36 में डेज में कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मैंने जो एलसीएम लिया है ये 3 आदमी का है, ये 9 औरतों का है और 6 बच्चों का है, तो इसका मतलब इसमें जो वर्क इंक्लूड है वो अकेले अकेले बंदे का नहीं है, सिर्फ ये 3 बंदों का एक दिन का कार्य आया है 1 यूनिट, 9 औरतों का कार्य है 2 यूनिट और 6 बच्चों का कार्य है एक दिन का 1 यूनिट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। ऐसे करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु क्या है। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि अगर 10 सदस्य की टीम के जो औसत आयु है वो कितनी है, 30 वर्ष है, तो टोटल कितनी होगी, 300 हो जाएगी, सीधा सीधा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर नेक्स्ट बोला जाए, उनके साथ कप्तान शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है, जब कप्तान को हम शामिल करेंगे और औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाएगी, यानी कि कप्तान आने से 1 बढ़ जाएगा, 10 से 11 हो जाएंगे और औसत भी 1 से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 11 गुना अब हम कितने से करेंगे, 31 से, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई करके आपका, 341, 341 हो जाएगा। अब बढ़ा कितना, एक बंदा बढ़ने से, कप्तान के बढ़ने से कितना बढ़ा, 41 बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, 41 कप्तान की एज हो जाएगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका है, देखिए 30 वर्ष अगर औसत है 10 सदस्यों की, अगर कप्तान आता है तो कप्तान की एज अगर 30 होती तो कोई चेंज नहीं होता, बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, औसत 1 वर्ष से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि औसत 1 वर्ष से बढ़ रहा है, तो आपको औसत बढ़ाना पड़ेगा, औसत बढ़ा तो इसका मतलब 10 के 10 सदस्यों का बढ़ा होगा और खुद का जो आया है उसका भी बढ़ के आया होगा, तो इसका मतलब 30 ईयर तो वो लेके आएगा ही आएगा, प्लस 11 वर्ष वो एक्स्ट्रा लेके आया, 10 सदस्यों का प्लस 1 खुद का, तो कितना होगा, 11 वर्ष प्लस कर दीजिए तो 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, जो 10%, 5%, 20% के बटे पर उपलब्ध है, समान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
यानी कि एक जो वस्तु है उस 1,000 रुपये की, उस पर 10%, 5% और 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य बताएं, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको बताना है ये डिस्काउंट देने के बाद में। देखिए इसको आप कर सकते हैं अलग अलग निकाल के भी, बट एक छोटी सी ट्रिक आप याद रख लेंगे तो आपको ये बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। बस आपको हर बार क्या करना है, MRP जो भी दे रखी होगी, ठीक है, अंकित मूल्य का मतलब होता है MRP, ठीक है, मार्केट रिटेल प्राइस, ये आपका दे रखा होगा, उसमें मल्टीप्लाई करनी है 100 - X1/100। ये X-1 क्या है, ये जितने भी डिस्काउंट दिए जाएंगे उसको माइनस करते जाना है और लिखते जाना है। 100 - X1/100, 100 - X2/100, 100 - X3/100, इस तरीके से आप माइनस करके लिख लेंगे एक बार इसको, तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका MRP दे रखा है 1,000, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90/100 हो जाएगा। फिर दूसरे वाला आपका क्या करना है, 5% डिस्काउंट दिया तो 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 - 20 तो 80/100 हो जाएगा। अब जो चीज़ें कट सकती हैं उनको कट कर लेते हैं, 0 से 0 जो चली जाएगी, जैसे ये 2 जीरो कट गई यहाँ पे इस तरीके से, और इसी तरीके से यहाँ पे और भी 0 कट जाएगी, ये भी 0 कट गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जितनी चीज़ें कट हो सकती हैं उनको कट कर लेते हैं, बाकी फिर आपका क्या बचता है, देखिए ये 0 से 0 कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगा 5, और ये कट जाएगा 4 टाइम, ठीक है, ये आपका कट जाएगा 5 से 19 टाइम, 5 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो चीज़ें कट हो सकती है कट कर लेंगे, बाकी जो फाइनल बचेगा आपका 9 × 19 × 4, ये आपका बचेगा 9 × 19 × 4, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सेलिंग प्राइस आपकी 684 आ जाएगी, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इनकी ट्रिक आपको मतलब बना लोगे, आप खुद भी बना लोगे, बट ये बनी बनाई है, इनको देख लिया करें, थोड़ा सा रिविजन करते रहा करें, वीडियोज़ को पुरानी वीडियोज़ को भी देखते रहा करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिंक मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, यदि उसे 25% के छूट पर यानी कि डिस्काउंट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। देखिए CP अगर हम देखिए CP तो हमारी 100% होती है, MRP उसका 20% बढ़ाकर रखा गया है, तो यानी MRP आपका कितना कर दिया गया, CP का हम 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगा, डिस्काउंट उस पर हमें 25% देना है, तो 120 का 25% निकालें कितने का, 30, तो 30% का मैं डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 120 रुपये की चीज़ को 30% के डिस्काउंट पे बेच देंगे, 30 रुपये के डिस्काउंट पे, यानी कितने पे, 90 रुपये में बेच देंगे, तो लॉस ही होगा ना, क्योंकि CP तो हमारी 100 थी। अब 100 रुपये की चीज़ को 90 में बेचेंगे तो लॉस होगा कितना, 10% का, यही आपसे पूछा गया है कि छूट देने पर कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि होगी, ये आपसे पूछा गया था, तो हानि होगी 10% की। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा, 25% की छूट देकर 20% लाभ लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, CP 100 होती है सबको पता है, MRP हमें मान लेनी है X, MRP हमें X मान लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है कि 25% की हम छूट दे दें और उसके बाद भी हमें 20% लाभ हो जाए, तो क्या करना है, X की वैल्यू हमें कुछ ऐसी रखनी है कि 25% का छूट देने के बाद भी 120 बचे, तो क्या करना है आपको, X मल्टीप्लाई 75/100 और 120 हो जाएगा, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75X कितना हो जाएगा, 12,000, ठीक है, 12,000 बराबर 75X हो जाएगा, तो 12,000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो X की वैल्यू आपकी आ जाएगी 160, तो MRP जो है आपकी वो निकल के कितनी आएगी, X की वैल्यू आपकी 160 आएगी, तो CP आपकी 100 है, तो कितनी परसेंट हमें वैल्यू बढ़ा के रखनी पड़ेगी, अगर हमें 20% का लाभ कमाना है तो 60% अधिक रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस से MRP हमें 60% बढ़ा के रखेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट भी मिल जाएगा और 25% का हम डिस्काउंट भी दे देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो इस वीडियो में था इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, यहाँ पे और भी बहुत सारी PDF मैं अपलोड करता रहता हूँ, जैसे लाइव टेस्ट की भी PDF यहाँ पे आपको मिल जाती है, डेली न्यूज़पेपर यहाँ पे आपको मिल जाता है, कोई भी अपडेट देना होता है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ज्वाइन होना आपका, ठीक है, और भी बहुत सारे अपडेट जो होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई वैकेंसीज आती हैं तो वो यहाँ पे मिल जाती है आपको, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका भी, और
या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा चैनल, और उसको ज्वाइन करके एंजॉय करिए। और आशा करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी, एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा। कल का पार्ट भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो के यहीं पे आपको दिख जाएगा, आप कहीं पे या फिर ऊपर दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।